ल्यूस्टन में अंधाधुंध गोलीबारी में 22 लोगों की मौत और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। हमलावरों ने 3 जगहों पर हमला किया है। गोलीबारी के बाद हमलावर फरार हैं। हमले का कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। अमेरिकी दखल के बाद गाजा पर जमीनी हमले को इजराइल ने कुछ समय के लिए टाल दिया है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की सुरक्षा पुख्ता करना चाहता है, जिसके लिए अमेरिका रक्षा डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों की तैनाती को बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इसराइल पर हमास के हमले की वजह हो सकता है। बाइडेन ने कहा उन्हें पक्का विश्वास है कि दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान जिस महत्वाकांक्षी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का ऐलान किया गया वो इसराइल पर हमास के हमले की वजह हो सकता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बात कर सकते हैं। वांग यी उच्च स्तरीय वार्ता के लिए वाशिंगटन का दौरा करने वाले हैं। माना जा रहा है कि वांग यी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच होने वाली बैठक की रूपरेखा तय करेगी। व्हाइट हाउस में ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने प्रशांत महासागर में चीन के साथ समुद्री सीमा विवाद और साइबर सिक्योरिटी पर बातचीत की। दोनों देश अंडरसी इंटरनेट केबल प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं। रियल एस्टेट कंपनी में सिविल फ्रॉड केस को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मैनहट्टन कोर्ट में पेशी हुई। ट्रंप के पूर्व सहयोगी माइकल कोहेन और ट्रंप को आमने सामने रखकर कोर्ट में पूछताछ हुई। 5 साल पहले कोहेन ने ट्रंप से हर तरह के रिश्ते खत्म कर लिए थे। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर न्यूयॉर्क की अदालत ने $10,000 का जुर्माना लगाया। सिविल फ्रॉड मामले में ट्रंप पर दूसरी बार चुप रहने के आदेश के उल्लंघन पर लगा जुर्माना है। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में जज पर पक्षपात का आरोप लगाया था। न्यूयॉर्क में यहूदी छात्रों के एक समूह को कूपर यूनियन की लाइब्रेरी में शरण लेना पड़ा। लाइब्रेरी के बाहर फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए जा रहे थे। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के मुताबिक यहूदी छात्रों को लाइब्रेरी से सुरक्षित निकाल लिया गया है। लुइसियाना से रिपब्लिकन पार्टी के सांसद माइक जॉनसन को प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुन लिया गया है, जिससे अमेरिकी राजनीति में 3 सप्ताह से चल रही अनिश्चितताओं का अंत हो गया है। माइक जॉनसन को बेहद कड़े मुकाबले में कांग्रेस में 209 के मुकाबले 220 मतों से चुना गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया है। डॉक्टर अशोक गाडगिल को टेक्नोलॉजी और डॉक्टर सुब्रा सुरेश को राष्ट्रीय विज्ञान पदक से सम्मानित किया गया। डॉक्टर अशोक गाडगिल ने 1973 में IIT कानपुर से पढ़ाई की है।